हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। हम लोग आ चुके हैं इस समय शिलफाटा पे, जो कि कल्याण शिलफाटा के पास। यहाँ पे कुल्लड चा और ठेसा वड़ा पाव मिलता है, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे खाने के लिए। दोस्तों, अगर आप अपने एरिया का वड़ा पाव समोसा खा के थक चुके हो तो आपको बेस्ट से बेस्ट जगह बताता हूँ। ये है शिलफाटा के पास, यहाँ पे कुल्लर चा और ठेसा वड़ा पाव का बहुत फेमस दुकान है और ये बहुत टाइम से चल रहा है। इनके पास जंबो वड़ा पाव मिलता है, कटलेट मिलता है, समोसा पाव मिलता है। ने इडली स्टार्ट किया है, जो कि इडली का टेस्ट काफ़ी ज़बरदस्त है, चटनी भी बहुत मस्त बनाते हैं। इनका जो दुकान है ये काफ़ी समय से चला आ रहा है यहाँ पे और बहुत पॉपुलर भी है। रोज़ के रोज़ यहाँ कम से कम हज़ारों लोग आते हैं खाने के लिए। आप देख सकते हैं गर्दी, यहाँ पे पब्लिक यहाँ पे हमेशा आती रहती है। और इनका फेमस चाय भी है, जो चाय काफ़ी टेस्टी होता है, कि वो ये कूलर में देते हैं तो उसके वजह से टेस्ट और भी बदल जाता है, जब पीने के लिए और मज़ा आता है। तो ये है शिलफाटा के पास और इनका दुकान जो है काफ़ी पुराना हो चुका है और टेस्ट लेकिन अभी भी ऐसा ही है। यहाँ पे जंबो वड़ा पाव भी मिलता है आपको, जंबो समोसा मिलता है और कटलेट मिलती है, साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए। आप यहाँ आइए, विज़िट कीजिए। आप कसम से यहाँ पे खाने के बाद आप दूसरे जगह का वड़ा पाव वगैरह खाना भूल जाओगे, क्योंकि इनका जो टेस्ट है ना काफ़ी ज़बरदस्त है और ये बहुत टाइम से चला आ रहा है, तो इन्होंने टेस्ट मेंटेन करके रखा है जिससे कस्टमर वहाँ पे कंटिन्यू आते रहते। तो देख सकते ये सर्व करने वाली जगह उनकी, और चटनी तो उनकी बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ पे जो वैरायटी है ये खुद बनाते हैं और इनके एम्प्लॉयज़, और टेस्ट में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, टेस्ट हमेशा बेस्ट रखते ये अपनी ओर से। तो ये देखिए यहाँ पे समोसा वगैरह पूरा बनता है और यहीं पे रखते हैं। और क्लीनिंग की बात करें तो क्लीन उनका जो जगह है वो काफ़ी क्लीन है, मैंने खुद देखा है वहाँ पे जाके, और वीडियो में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वड़ा बन रहा है। कूपन ले सकते हैं, कूपन लेने के बाद आपको जो चाहिए खाने के लिए आप यहाँ ले सकते हैं, और आप अपने फैमिली दोस्तों के साथ आके बैठ कर वहाँ खा सकते हैं। यहाँ पे देखिए टेबल वगैरह भी लगा हुआ है, तो आप वहाँ पे बैठने के लिए भी पूरी सुविधा दी गई है, आपको वहाँ इजीली बैठ के खा सकते हैं आप। और उनके पीने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है ठंडा पानी, जूस वगैरह पीना है तो उसके लिए भी सुविधा कर रखी है, और बच्चों के लिए चिप्स वगैरह भी रखा हुआ है यहाँ पे। तो बोलते ऑल इन वन जगह है ये, और ये उनका कैंटीन है जहाँ पे ये सब चीज़ें बनती है सेफली और अच्छे से। तो ये चटनी बनाने के लिए है या और चीज़ों में डालने के लिए भी मिर्ची है। यहाँ पे काम करने वाले भी बहुत लोग हैं और काफ़ी सेफ्टी से और बहुत अच्छे से काम किया जाता है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे जंबो इडली भी मिलता है 25 रुपीज़ में एक, लेकिन वो इडली काफ़ी बड़ा होता है और चटनी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो दादा से खुद हम पूछ लेते हैं अपने दुकान के बारे में। नमस्कार दादा, अरे ये दुकान उगड़ण्याचा म्हणजे कसं तुम्हाला आयडिया कसं पडलं? 79 पासून आम्ही पूजा पंजाब हा आमचा जुना नाव आहे हॉटेलचा, वडिलांपासून आजोबांपासून आमचा हाच बिझनेस आहे, हॉटेलचाच बिझनेस। माझ्या रेसिपी जुन्याच होत्या, आम्ही हॉटेलमध्ये पण हे आयटम सर्व करत होतो, पण असं झाला का 2016-17 असा म्हणजे एक असा एक टाईम आला का ज्यावेळी आम्हाला असं वाटलं का क्विक स्नॅक्ससाठी हा स्पॉट म्हणजे डेव्हलप केला पाहिजे। तर त्यावेळी 2017 आम्ही ह्याच्यात आलो आणि ह्या सेम स्नॅक्सचे जे आयटम्स आहेत आमचे ते आम्ही डायरेक्ट कस्टमरला सर्व करायला लागलो। आणि मग कालांतराने असं झालं का आम्हाला रेस्टॉरंटकडे लक्ष द्यायचा टाइमच नाही भेटला, आणि मग आणि स्नॅक्समध्येच आम्ही डील करतो आता टोटली प्युअर व्हेज। तुमचा हा स्पॉट एकदम परफेक्ट जागेवर स्पॉट झालेला आहे आणि तुम्ही स्वतःचा मालक पण आहे एकदम, तो तुम्ही मॅनेजमेंट वगैरे तो तुमचा प्रमाणेच चालते? आम्ही टोटल आमची 47 पोरांची टीम आहे, मॅक्सिमम माझ्याकडे 5 वर्ष जुने एम्प्लॉईज आहेत, लेडीजची टीम माझी ऑलमोस्ट 22 आहे, आणि खूप छान प्रकारे मला स्टाफचा प्रतिसाद भेटतो। मी तर असं बोलेन का स्टाफच माझ्या रेस्टॉरंटचे ओनर आहेत, किंवा माझे जे 4 ब्रँचेस आहेत ते चालवण्याकरिता जे पण माझ्या मॅनेजिंग टीम आहे, माझी परचेसिंग टीम आहे, माझी सर्विंग टीम आहे, माझी कुकिंग टीम आहे, हे सर्व म्हणजे ह्याच्यामागे जो मेहनत जी आहे ती त्यांचीच आहे, 100% श्रेय त्यांचाच आहे। आयडियाज माझे आहेत, मॅनेजमेंट भले माझी असेल, मीच लँड ओनर आहे।
पूर्ण सपोर्ट जे आहे मला स्टाफचाच आहे. मी स्टाफला 100% त्यांनाच श्रेय देईन. यहाँ का टेस्ट वगैरह के बारे में हमने खुद डायरेक्ट कस्टमर से ही पूछ लिया कि वो हमेशा कंटिन्यू आते और वहाँ पे खाते, तो हमने खुद जो एक रिव्यू होता है ना वो हमने खुद कस्टमर से डायरेक्ट पूछ लिया. वड़ा पाव वगैरह खाले तुम्हें कसा वाटला तुम्हाला टेस्ट वगैरह? चांगला वाटला. काय जास्त तिखा वगैरह? नाही ना, परफेक्ट आहे ना टेस्ट आहे. तुम्हाला कसा वाटला? और ये वीडियो देखने तक मुझे पूरा यकीन हो गया कि आप वहाँ जरूर जाओगे अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ. जल्दी जाइए और खाने का वहाँ पे मजा लीजिए दोस्तों. सर आपने चाय ट्राई की, आपको कैसा लगा यहाँ का चाय? एक नंबर मास्टर. टेस्ट कैसा है चाय का? बहुत जबरदस्त. तो आपका आगे जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है? रोज आना पड़ेगा आपको यहाँ पे. सही है, मतलब टेस्ट जबरदस्त है. चाय भी मैंने वड़ा पाव भी ट्राई किया, टीचा वड़ा पाव एक नंबर जबरदस्त. अभी अलग मेहनत है यहाँ पे, ये पूरा पार्किंग वगैरह यही देखते हैं यहाँ के, मतलब हर एक एम्प्लॉय इनका काफ़ी मेहनत करता है. दिन का मतलब कितना गाड़ी आता रहेगा यहाँ पे? दिन का गाड़ी सर नहीं है तो 400-500-600 गाड़ी कम से कम आता ही आता है. फोर व्हीलर और बाइक का रहेगा तो कम से कम 1000.